आपके इस निर्देशन में हम लोग जो सामूहिक रूप से देख करके एक पीपीटी बनाया है पंचायत का, उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षक संकुल साहब जो हमारे उसका बता दीजिए आप कौन ये सारा नाम है। हमारा नाम है अनंत प्रसाद यादव। मैं कंपोजिट विद्यालय उदयपुर सिकरा जौनपुर से, दूसरा दूसरे नगर से राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, शिक्षक संकुल कंपोजिट विद्यालय अलीगंज से, श्रीमती गायत्री श्रीवास्तव कंपोजिट विद्यालय श्रीमती अर्चना यादव प्राथमिक विद्यालय मोमिनपुर और श्रीमती विवाह पांडे प्राथमिक विद्यालय कोरबा खास। ये हम पांच शिक्षक संकुल न्याय पंचायत कारनामा से सामूहिक रूप से एक छोटी सी पीपीटी बनाने का प्रयास किया गया है और इसमें सभी चीज़ों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। पूरी चीज़ें तो इसमें नहीं आ पाई है छोटी सी पीपीटी में, हालांकि रिप्रेजेंटेशन में हम लोग बता देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कितना हम जूझ रहे हैं, तो कितना आपको जो है इसमें सफलता मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी पीपीटी का जो है रिप्रेजेंटेशन जो है प्रारंभ करें। इस शिक्षक संकुल की गरिमा में मीटिंग में मैं अपनी कविता कैप्चर करते हुए अपने नया पंचायत से कुछ चंद फोटोज के माध्यम से सर डाटा को मैंने इंप्रेस नहीं किया है, मतलब लिखे रूप में इसमें नहीं शो है। वैसे मैं कुछ डाटा बता सकती हूँ कि मेरे नया पंचायत में कुल 11 विद्यालय हैं, 7 प्राथमिक विद्यालय और 4 जो है अंगोदय। मैं प्राथमिक विद्यालय पुनः खास से हूँ। जैसा कि हम सभी शिक्षा से अवगत हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए राज्य स्तर से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो और उनकी पढ़ाई लगातार उनकी पढ़ाई में कंटिन्यूएशन बना रहे, इसके लिए मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन विभिन्न चरणों में किया गया और विभिन्न चरणों के कई घटक हैं और जिसमें हम सभी को कार्य मिला था चरण 4 और 5 फेज 4 और 5 के अंतर्गत और उसी के अंतर्गत कुछ झुलमियाँ प्रस्तुत हैं। तो फेज 4 और 5 में सबसे पहले फेज 4 में हमने 4 घटक के रूप में हमने उसको डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला घटक आता है हमारा शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण, जिसको हम राज्य स्तर से हम सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने आरटी के माध्यम से, एसआरटी के माध्यम से, वीडियो सर के माध्यम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्राप्त करते हैं और इन सभी शैक्षणिक सामग्री को हम अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप या अभिभावक के पर्सनल ग्रुप तक भी साझा करते हैं, जैसा कि अभिभावक की रुचि हो या बच्चा जिस प्रकार का हो। तो ये कंटिन्यूएशन डेली है। इसमें सबसे पहले हमारा आता है कि बच्चे टीवी बहुत मन से देखते हैं। पहली स्लाइड कीजिए आप भैया। टीवी बहुत मन से देखते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी अभी समस्या आई थी कि प्रेरणा साथी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य हकम है कि 10 से ज़्यादा लोग आए प्रेरणा साथी बनने के लिए और हम सभी ने बिना किसी उसके प्रोत्साहन जिसको कहा जाए जागरूकता कहा जाए कुछ भी नहीं किया, हाँ एक सहयोग जरूर किया कि उनके मोबाइल में डाटा हम सभी ने अपने प्रयास से डलवाने की कोशिश की। तो उनके माध्यम से एक अभिभावक के माध्यम से कि अभिभावक को भी हम सभी जागरूक कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ नियमित समय पर फोन कॉल करके भी हम लोग कहते हैं कि टीवी दूरदर्शन आप लोग खोलिए और बैठिए और जैसा कि सीता मैम द्वारा बताया गया कि हम लोग टीवी के कार्यक्रम को डाउनलोड करके लिंक भेजते हैं, ये भी काम हमारे विद्यालय पर किया जा रहा है। आगे हम लोग शैक्षणिक सामग्री जो प्रेषित की जाती है उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करते हैं। इन शैक्षणिक सामग्री के प्रेषण में हमारे कई कार्यक्रम आते हैं। एक तो सबसे पहले जो हम सभी को हर रविवार सुबह 10 बजे साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री प्राप्त होती है, उनको हम लोग शाम तक अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं। और दूसरा है आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड, वो भी है। तीसरा आता है साप्ताहिक क्विज ये है और चौथा है हमारा रीड अलॉन्ग है, दीक्षा है, विभिन्न माध्यम से ये भी सभी सामग्रियाँ हमारी शैक्षणिक जो प्रेषित की जा रही हैं, इन सभी सामग्रियों को हम कैसे दे रहे हैं इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और अफवाहों को
प्रेषण तो हो गया लेकिन बच्चे उसमें संलग्न कैसे हैं, उसमें रुचि या निरंतरता कैसे बनी रहे, इसके लिए अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी उनके लिए की गई है। तो अभ्यास के लिए जैसे ही रहना हो गया अपने कहानियाँ सुनते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मजेदार प्रश्नों को लेते हैं, और प्रश्नोत्तरी में प्रेरणा लक्ष्य अपने द्वारा स्वयं का आकलन करते हैं प्रश्न को पढ़कर, साप्ताहिक में जो लिख है उसके द्वारा भी, तो इसमें बच्चों को संलग्न रखने के लिए अभिभावकों से नियमित साप्ताहिक रूप से अपने विद्यालय को बुलाकर एंड्रॉयड फोन वाले अभिभावकों के पास फोन ऐप पर फोन पर उसके जो है ऐप डाउनलोड कराकर इसके लिए भेजते हैं। सर ये अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय में ये कम्पोजिट विद्यालय अलीगंज की फोटो है जिसमें कि सभी शिक्षकों ने जो है ऐप डाउनलोड कराते हुए बच्चों को उन्हें प्रेरणा लक्ष्य और क्विज का भी साझा करते हुए उसमें प्रतिभाग कराया। और ये अभ्यास बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने कार्य को करते हुए उसको भेजते हैं, उसको हम लोग करेक्शन करते हुए उनको देते हैं और उनके अभाव से सीधा संवाद रख सकते हैं। वो हम लोग काम घर पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस स्कूल के ही टाइम पे क्या, अगर कोई आवश्यक कार्य या कोई बहुत जागरूक अभिभावक है या कोई बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उसके लिए आप घर पे भी काम करके उसकी अभ्यास वर्ग के बारे में बता सकते हैं। अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी के बाद आता है हमारा समुदाय से जोड़ना और सहयोग लेना। तो अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी तो बच्चा कर रहा है लेकिन इसकी सततता निरंतरता और सुगमता ये कैसे आसानी से हल कर ले, प्रश्नों को कैसे आसानी से हल कर ले, अभ्यास को आसान कैसे आसानी से वो अभ्यास कर ले, इसके लिए हमें समुदाय से जोड़ना सहयोग लेने की जरूरत पड़ी जिसमें नया नाम दिया गया फेज 4 में प्रेरणा साथी। प्रेरणा साथी का सर्वप्रथम हम लोगों ने चुनाव किया, चुनाव की प्रक्रिया ये थी कि वो समुदाय का ही कोई शिक्षित व्यक्ति हो और वो शिक्षा में रुचि लेता हो, उसके पास स्मार्टफोन हो और वो स्वैच्छिक रूप से अपने फ़ोन को बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए राजी हो। तो मैम ये मैंने जो है प्रेरणा साथी को काफ़ी कन्विंस किया है, ये नहीं राजी हो रही थी और ये अब ये पहल की प्रतिदिन ये नियमित रूप से दूरदर्शन पर दिखाती है कार्यक्रम। ये कम्पोजिट विद्यालय अलीगंज का है और ये भी प्रेरणा साथी द्वारा प्रेरणा का क्षेत्र को डाउनलोड कराया गया। तो इस प्रकार हम सभी ये श्री अनंत सर जी का फोटो है, इन्होंने समुदाय से जोड़ने में पहल की है। तो एक गार्जियन को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है कि उसने अपने बच्चे के साथ जो समय की बात की गई है कि गार्जियन अपने बच्चे के साथ समय कितना समय वो संलग्न हो रहा है इसका भी हमको लिखित रूप में वो रखना है डाटा, तो उसके लिए सर ने पहल की है। और सर ये समुदाय से जोड़ना और सहयोग लेने की ही फोटो है, जैसे कि सर ये कम्पोजिट विद्यालय डी जहानिया की फोटो है और ये प्रेरणा साथी समुदाय से पहल करते हुए बच्चों को अपने छत पे बैठ के दूसरे समय में पढ़ा रही है जिस समय उसको खाना बनाना ये सब अक्सर महिलाएं हैं। नेक्स्ट अब आता है कि प्रेरणा साथी बन तो गए लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो ना ही प्रेरणा साथी के पास पहुंच पा रहे हैं और ना ही उनके गार्जियन के पास स्मार्टफोन है, तो वो बच्चे कहाँ जाएं? ये चुनौतियाँ हम लोगों ने मैम के दिए गए बिंदु में ये था कि फेज 4 में आपको कौन सी चुनौतियाँ मिली, चुनौतियों से हम लोग यही जूझ रहे थे कि वो बच्चे हम कहाँ से पकड़े। तो वो बच्चे हम लोगों को पकड़ने के लिए मिल गया फेज 5 में, वो पॉइंट आ गया मोहल्ला क्लास जिसका संचालन अब किया जा रहा है। तो उस क्लास में ऐसे ही बच्चे हैं जो ना ही प्रेरणा साथी के पास पहुंच पा रहे हैं, ना ही जिनके गार्जियन बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं और ना ही वो बच्चे मतलब किसी मतलब हर चीज़ से अछूते रह जा रहे हैं। तो उनको हम उस मोहल्ला क्लास में मतलब पढ़ा रहे हैं। तो उस मोहल्ला क्लास का चयन हम सार्वजनिक स्थान पर कर सकते हैं और या तो किसी निर्धारित प्लेस पर हो, खेल का मैदान हो, और उस मोहल्ला क्लास में हम प्रेषित सामग्री को अपने स्मार्टफोन से बच्चों को दिखाएंगे, उनकी दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड गतिविधियाँ कराएंगे, पाठ्य पुस्तक है, अभ्यास है आदि सब, जैसे कि हम लोग उनको रुचि से उस मोहल्ला क्लास में स्थिरता प्रदान कर सकें कि वो बच्चे भी उसमें आए। लेकिन कुछ बच्चे मोहल्ला क्लास में भी नहीं जा, तो उनको हमें चिन्हित करना है और होम विजिट द्वारा उनके गार्जियन से वो समय पूछते हुए उस बच्चे को फिर से मोहल्ला क्लास में लाने के लिए प्रेरित करना। तो मैम चुनौतियाँ तो थी, उसका समाधान ये मिल गया। और नेक्स्ट ये मेन फोकस है ये पाठशाला फेज 5 का, शिक्षक अभिभावक को जोड़ना। जैसा कि मैम के दिए गए बिंदु में कि आपके फेज 5 में क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं, सरकार द्वारा तो ये रणनीतियाँ दी गई हैं कि आप साप्ताहिक गार्जियन को बुलाइए, उनसे संवाद स्थापित कीजिए, उनके साथ अच्छा समन्वय बनाइए, एंड्रॉयड फ़ोन वाले अभिभावकों के साथ आप उनके फ़ोन पर दीक्षा ऐप, फ्री लगा गए और प्रेरणा लक्ष्य ऐप को डाउनलोड कराइए, उसकी जानकारी दीजिए, वो अपने
करना है। लेकिन मैम हम लोगों की एक स्ट्रेटेजी है, एक नया नवाचार है, आगे कीजिए भैया, कि हम सभी हर मंथ में, जैसे कि अभी आया था कि पौधे लगाना, जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोगों को प्रकृति से प्रेम था करना था और उसके बारे में अपने लोगों को जागरूक करना था। तो हमने नव निर्वाचित जो हमारे नए प्रधान बने उनको अपने एसएमसी मीटिंग में बुलाकर उनसे पौधारोपण कराया और हम सभी ने किया, गार्जियन ने किया। इसका परिणाम ये हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वॉलेंटियर्स ने खुद घर पे कई वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर पौधा लगाया और बच्चों को भी सामने किया विद कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि हमारा प्रेरणा साथी जागरूक करा गया। और सर ये जूम ऐप के माध्यम से हम लोगों की एक स्ट्रेटजी अभी चल रही है ई पाठशाला फेज 5 में। मैं कहना चाहूँगी कि फेज 5 को हम लोग कैसे निरंतरता प्रदान करें, उसमें हमारे स्कूल की दो गतिविधियाँ शामिल हैं। एक तो है कि हम प्रेरणा साथी जो पढ़ा रहे हैं उनसे एक समय मांग लें कि वो किस टाइम पढ़ाते हैं और उनसे जूम ऐप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से उसी समय पर एक दिन के अंतराल पे, जैसे सप्ताह में 3 दिन, जैसे कि शैक्षणिक सामग्री हमारी मंडे को आ रही है तो हम ट्यूसडे को बात करेंगे उसी निश्चित समय पर। कोई भी एक मतलब टीचर करेगी वो समय साथी का चाहे जो होगा, जरूरी नहीं कि स्कूल के ही टाइम पे वो पढ़ाए तो हम स्कूल के टाइम पे करेंगे, हम घर के टाइम पे बात करेंगे। वो निर्धारण हमारे ग्रुप में हो गया है, पाँच टीचर हैं। तो उस समय फीडबैक लेना कि उसने कौन सी सामग्री बच्चे को दी, केवल एक ये चीज़ पढ़ाना कि वो कौन सा रहे, अपनी बात में वो जागरूक रहे कि नहीं मुझे ऐसे ही पढ़ाना है जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आ रहा है, वो चीज़ें हम बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और अगर उस जूम ऐप में उस समय मेरा बच्चा उधर है तो बच्चे से भी कुछ फीडबैक ले सकते हैं, तुमने क्या देखा, तुमने क्या पढ़ा या तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, और अपनी कुछ अच्छी बातों को कहना, जैसे कि हम कुछ रोचक कविता बता सकते हैं, कुछ नई चीज़ बता सकते हैं। तो इससे प्रेरणा साथी एक सकारात्मक सुपरविजन जिसको कहा जाए, ये साप्ताहिक 3 दिन का हम लोगों ने अपने में सर बनाया है। और एक मंथली प्लानिंग है हम लोगों की, मंथली प्लानिंग में ये है कि अभिभावकों को ग्रुप में बुलाना है। एक जैसे एसएमसी बैठक की जाती है मंथ के शुरुआत में, तो उसमें हम उन अभिभावकों को बुला रहे हैं ज़्यादा फोकस दे रहे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं, और उसी के 10 दिन के अंतराल पे हम उन अभिभावकों को बुला रहे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जूम ऐप डाउनलोड कराने के लिए इसलिए प्रेरित कर रहे हैं क्योंकि आगे तीसरी लहर की बात हो रही है। विषम परिस्थिति आने पर हमसे अभिभावक से और बच्चे से और प्रेरणा साथी से डायरेक्ट संवाद स्थापित कर सके, तो इसके लिए सर वो जूम ऐप का आविष्कार। और उस जूम ऐप में एक गार्जियन मोस्टली जुड़े कि वो भी देखे कि गार्जियन और हम और प्रेरणा साथी क्या है। और फिर मंथली पूरी रिकॉर्ड के अनुसार सर लास्ट में मंथ की एक मीटिंग रखी गई है हम लोगों की, जिसमें प्रेरणा साथी अभिभावक और टीचर तीनों लोग हैं और पूरे मंथ का रिकॉर्ड कि किस अभिभावक ने कितने जो है क्विज में प्रतिभाग कराया, किस अभिभावक ने कौन सी फोटो ग्रुप पे भेजी, किस प्रेरणा साथी ने क्या दिया सर क्या दिया, तो उसके अनुसार एक रजिस्टर बना रखा है सर। अभी तो महीने का लास्ट है सर, ये पहला पड़ाव है, ये स्ट्रेटेजी है स्टेज 5 की और इसमें जो बेहतर वर्क करेगा उसको नेक्स्ट मंथ की एसएमसी बैठक में पुरस्कृत करेगा। चलिए विवाह जी बहुत अच्छा आपका रहा, इस पर एक प्रश्न सोनिया जी का, उसके पहले मेरा एक प्रश्न है। वो चीज़ आपने बताया वाकई बहुत बेहतरीन प्रयास आपका है, ये कितने विद्यालयों में हो रहा है आपके यहाँ नेशनल चैंपियन सर? अभी तो हम लोगों की सर ये प्लानिंग बहुत अच्छी चीज मुझे लगी ऐप से, इसलिए ना कि कुछ गार्जियन सर ऐसे लाइफ टाइम गारमेंट लाइफ टाइम, तो अगर सर एक मेरा जो डाटा फिटिंग है मेरा कि अभी हम लोग 3-4-5 क्लास के मिनिमम 3 गार्जियन को जूम ऐप डाउनलोड कराने का टारगेट, मिनिमम 3 सर अभी शुरुआत है, और अगर ये 3 गार्जियन जूम ऐप से जुड़ रहे हैं और 10 प्रेरणा साथी जूम ऐप से, तो 3 गार्जियन से मेरे 3 बच्चे अगर आ रहे हैं और एक प्रेरणा साथी से 5, तो सर ये 65 बच्चे हमारे कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम सुशील सर को धन्यवाद देंगे, उन्होंने जूम ऐप के लिए हमसे भी बात किया था और इस जूम ऐप पर हमने भी जो अपने यहाँ जो है जूम ऐप से जोड़ा और बच्चों का क्लास कराने का पूरा प्रयास करें। अभी पूरा सबसे नहीं हो पा रहे हम लोग जो मोबाइल में, किस तरह से हमारा जो है मोबाइल सामने
कैसे रखें, किस तरह से हम घास में अपने जो है बैकबोन पर लेकर चाहे चाहते हैं कि ये बात